दोस्तों सोचिए, अगर आप एक ऐसे बाजार में जाए जहां पर आपको आलू प्याज की तरह दुकानदार नोट की बंडल बेचता नजर आए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बड़ा अजीब लगेगा ना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर फल सब्जियां नहीं बल्कि पैसे बेचे जाते हैं। जी हाँ, पैसे जो हमें अपने देश में सीसीटीवी के नजरों में रहते हुए एटीएम या फिर बैंक में मिलते हैं, मगर यहां तो मंडियों में ही मिल जाते हैं। अब इसके पीछे की राज क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, जिसमें बात हो रही है एक ऐसी देश की जहां नोट रद्दी की तरह बाजार में किलो के भाव में मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी की नींव होती है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने अपने करेंसी को बड़ी हिफाजत और कड़ी सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसा भी है जिनका नाम है सोमालीलैंड, जहां पैसा बंडल के बंडल शहर के सड़कों पर पड़ा रहता है और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। अब आप ये मत सोचिए कि यहां राम राज्य है और किसी को न पैसा का लोभ है और न ही लालच। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें इस जगह का इतिहास जानना होगा, जिसके लिए कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, यही कुछ 3-1 दशक पहले। तो वो वक्त था साल 1991 का, जब उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग हटकर मौजूद में आ गया। यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना देश भी मान लिया, लेकिन किसी भी देश ने इसे मान्यता नहीं दी कि ये देश है, और अभी तक भी नहीं दी है। लेकिन यहाँ के 40 लाख की आबादी तमूरियत का दावा करती है, लेकिन इस जगह की हैसियत बेहद गरीब मुल्क वाली है, क्योंकि यहाँ न कोई सरकारी व्यवस्था लागू है और न ही यहाँ लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन है। वैसे यहाँ से भारी मात्रा में ऊँटों की निर्यात होती है, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि देश के लोग सुकून से जिंदगी जी सके। यहाँ ज्यादातर हिस्सा रेत से ढका रहता है, वही पानी की कमी की वजह से इलाके में सूखा पड़ जाना यहाँ आम बात है। नतीजा सोमालीलैंड में साधारण नहीं है, बल्कि गरीबी का स्तर बहुत भयानक है और यहाँ की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग, जिनकी वैल्यू चूरन में मिलने वाले नोट जितना भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ सोमालीलैंड शिलिंग के 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक अमेरिकन डॉलर के बदले लगभग 9 से 10 हजार सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिल जाते हैं। वहीं अगर कोई 10 डॉलर दे दे तो उसको नोट के वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग दिए जाते हैं, और वो भी 1-2 किलो नहीं 50 किलो से भी ज्यादा सोमालीलैंड शिलिंग। वही अगर यहाँ किसी को सिगरेट पीना हो तो उसे एक सिगरेट खरीदने में हमारे यहाँ की तरह 10 या फिर 20 रुपए नहीं बल्कि 500 या फिर 1000 शिलिंग के नोट चाहिए होता है। वही थैला भर सब्जी खरीदने के लिए झोला भर नोटों की जरूरत पड़ती है, और अगर किसी को कीमती गहना खरीदना हो तो उसे शिलिंग के नोटों से भरा बैग नहीं बल्कि ठेला गाड़ी दुकान तक ले जाना पड़ता है। अब यहाँ हम आपको टेम्पो या फोर व्हीलर का उदाहरण भी दे सकते थे, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पहिए वाली ठेला गाड़ी सबसे ज्यादा चलती है। यही वजह है कि यहाँ की राजधानी कही जाने वाली हरसिंगा के बाजार में अक्सर लोग ठेला गाड़ी पर ही नोट लादकर चलते हुए नजर आते हैं। वैसे इस देश की एक खासियत भी है, जहाँ एक तरफ भारत जैसे विकासशील देश में कैशलेस व्यवस्था अभी भी पूरी तरह नहीं चल रही है, तो वही यहाँ सालों पहले लोग कैशलेस हो चुके हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ की करेंसी का डिवेल्यूशन हो गया है और करेंसी के रद्दी में तब्दील होने की वजह से लोग लेन देन कैशलेस करने में ही भलाई समझते हैं। जहाँ छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी चीजें के लिए सिर्फ मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ न तो क्रेडिट कार्ड का ज्यादा चलन है
और न ही डेबिट कार्ड का, इसलिए यहाँ फोन की व्यवस्था बहुत ज्यादा है। वैसे इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक भी नहीं है। ऐसे में ये बात स्वाभाविक हो जाती है कि यहाँ न तो कोई बैंकिंग सिस्टम है और न ही कोई एटीएम। यही वजह है कि आपको यहाँ भिखारी भी बहुत हाईटेक नजर आएंगे, क्योंकि वो भी अपना लेन देन मोबाइल से ही करता दिखेगा। पैसा सबके कैशलेस हो जाने की वजह ये भी हो सकती है कि कौन छोटे मोटे खरीदारियों के लिए झोला भरकर नोट ढोता फिरेगा, इसलिए यहाँ सभी कैश विहीन रहना पसंद करते हैं। फिर चाहे फुटपाथ पर सब्जी और फल बेचने वाला हो या फिर बड़ी बड़ी दुकान हो या मॉल, यहाँ कहीं भी चले जाओ, बस अपने मोबाइल से दुकानदार का QR कोड स्कैन करो और पैसा दुकानदार के अकाउंट में चला जाता है। वैसे सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं, अफ्रीका के कई छोटे बड़े देश कैश रखने का झंझट छोड़ के कैशलेस वाली व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। युगांडा, तंजानिया, घाना में भी मोबाइल बैंकिंग की क्रांति आ रखी है। इसी तरह केनिया में भी बड़ी तादाद पर लोग एम पैसा के जरिए भुगतान कर रहे हैं। वैसे अब आप ये मत सोच लीजिए कि कैशलेस होना कौन सी बड़ी बात है, हमारे देश में भी कई बड़े शहर लगभग पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं। मगर सोमालीलैंड की खासियत है कि यहाँ के शहरों के साथ साथ गांव में भी लोग नोट को भूल चुके हैं। यहाँ के गांव में 60% से ज्यादा लोग अब अपने मोबाइल के जरिए ही पूरा लेन देन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ 16 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले 88% लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो उनके लिए बातचीत करने के साथ साथ उनका निजी बैंक भी बन गया है, जबकि यहाँ के ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। वैसे यहाँ लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना एक बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं, जिसमें उनकी सिर्फ आजीविका चलती है। साथ ही ये देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। बताया जाता है कि सोमालिया में बीच और यहाँ काफी रहस्यमय गुफा और जंगल है, जिस पर रिसर्च चलता रहता है और शोध से जुड़े लोग आए दिन आते जाते रहते हैं, जिसे इस देश की अर्थव्यवस्था में टूरिस्ट की काफी योगदान रहता है। तो दोस्तों, पैसा के बाजार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस देश के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे ऐसे ही किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।